हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आपका स्वागत है टेक्निकल दिलीप की एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में। जो आपके घर में वाईफाई लगाए उसका आप लोग प्लान अपने हिसाब से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब एक भाई का नीचे कमेंट आया कि भाई मतलब कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में बताओ कि कौन सा प्लान हमको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्लान मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग सही रहेगा। तो उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कैसे आप लोग को कौन सा प्लान अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, क्या कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा कौन से प्लान आपको लेने चाहिए, कौन से प्लान नहीं लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में कौन सा प्लान आपको लेना है? तो पहले नंबर पर है 499 का, जो कि एक्सट्रीम फाइबर ट्रैफिक है। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? अनलिमिटेड डाटा और 40 MB प्रति सेकंड स्पीड, फ्री वाईफाई कॉलिंग और इविंक म्यूजिक एक्सट्रीम फाइबर म्यूजिक एंड शो एकेडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। सेकंड पे है 799 का, मतलब 799 का, जिसमें अनलिमिटेड डाटा, 100 MBPS आपको स्पीड, फ्री वॉइस कॉलिंग और यही सब मिलता है। और तीसरे नंबर पर अनलिमिटेड डाटा, ये है 999 का, 200 MB स्पीड, बाकी सेम वही है। G5 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है, सेम मतलब कि वही है, लेकिन जो प्लान 499 यानी 500 का है और जो 800 का है समझ लीजिए, तो 300 एक्स्ट्रा आपको क्यों देने पड़े हैं? वो MBPS के स्पीड के लिए देना पड़ा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो 499 का प्लान ले सकते हैं। अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्पीड का आपको पैसा देना पड़ रहा है और किसी चीज़ का नहीं। आई होप आप लोग अब तक जान चुके होंगे कैसे कौन सा प्लान हमको लेना चाहिए कौन सा नहीं। अगर आप लोग सिलेक्ट कर लें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और